प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत का अष्टम पाठ पढ़ेंगे। अष्टम पाठ पाठ गंगा, पाठ 8 गंगा। गंगा नदी सर्वासु नदीषु पवित्रा प्राचीना विशाला च अस्ति। गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र, प्राचीन और विशाल है। इयं गंगा हिमालयात् निसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति, गंगा के किनारे अनेक तीर्थस्थल हैं। अस्याः तीरे हरिद्वारः वाराणसी च तीर्थस्थलानि सन्ति, इसके किनारे हरिद्वार और वाराणसी जैसे तीर्थस्थान हैं। प्रयागे गंगा यमुनयो संगमः अस्ति, प्रयाग को गंगा और यमुना का संगम है। सरस्वती नदी तत्र गुप्तगामिनी वर्तते इति जनश्रुतिः, सरस्वती नदी यहाँ गुप्त रूप से बहती है ऐसा लोगों का मानना है। गंगायाम स्नानाम पुण्यदायकं मन्यते, गंगा में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। संप्रति गंगायाः जलं प्रदूषितं दृश्यते, इस समय गंगा का जल प्रदूषित दिखाई देता है। औद्योगिक अवकर प्रवाहीन मलिन जल विसर्जनेन अनेश्च कारणे गंगाया जलम मलिनम दृश्यते, औद्योगिक कूड़े कचरे के बहाने से गंदे जल के विसर्जन से और अन्य कारणों से गंगा का जल गंदा दिखाई देता है। गंगायाम ये जीवा निवसन्ति तेषाम उपरि अपि संकटः वर्तते, गंगा में जो जीव रहते हैं उनके ऊपर भी संकट है। गंगायाः जले मीनाः कच्छपाः इत्यादयः भवन्ति, ये जलस्य प्रदूषण निवारेण सहायका भवन्ति, गंगा के जल में मछलियाँ कछुए इत्यादि होते हैं जो जल के प्रदूषण को दूर करने में सहायक होते हैं। परम मानवाः स्व स्वार्थपूर्ते तान अपि मारयन्ति, परंतु मरुण मनुष्य अपनी स्वार्थी स्वार्थपूर्ति के लिए उन्हें भी मारते हैं। संप्रति गंगायाम बहुबंध निर्माणेन तस्या अभाव प्रवाह रुध्यते, इस समय गंगा पर बहुत सारे बांध बनाने के कारण उसका अबाध प्रवाह रुक गया है। पूर्वं गंगायाम पोताः नौकाः च चलन्ति स्म, पहले गंगा में जहाज और नावें चलती थी। नौकाः पोताः नौकाः एव यात्रा साधनानि आसन, जहाज नावें ही यात्रा के साधन थी। इदानीं केवलं मनोरंजनाय गंगायाम नौकाः दरीदृश्यन्ते, अब केवल मनोरंजन के लिए गंगा में नावें दिखाई देती हैं। गंगाया संरक्षणेन इमानि तीर्थस्थलानि अपि संरक्षितानि भविष्यन्ति, गंगा के संरक्षण से ये तीर्थस्थल भी संरक्षित होंगे। धन्यवाद।